हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दी रोहित पांडे के एक नए ब्लॉग में। और आज के इस वीडियो में थोड़ा खास मैं कुछ दिखाने वाला हूं। मैं आपको दिखाने वाला हूं बनारस की विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती। गांव से भाई आया है, उसको ले जा रहे हैं दिखाने। तो इसी बहाने मेरा बहुत दिन से प्लान बन रहा था कि शाम को चलते हैं गंगा आरती शूट करते हैं अपने नए DSLR से, क्योंकि इसकी क्वालिटी ज़बरदस्त है और शाम के टाइम बहुत बढ़िया आता भी है। अभी शाम के कितने बज रहे हैं देख लेते हैं, 6:27 हो रहे हैं, 7 बजे आरती होती है। तो यहाँ से चलेंगे चौक पर, गाड़ी खड़ा करेंगे, वहाँ से पैदल आपको पूरा दिखाते हुए लेके चलेंगे बनारस की जो असली हार्ट ऑफ द सिटी, जिसको हम लोग कह सकते हैं, विश्वनाथ मंदिर के पास से लेकर के गंगा जी तक का। तो फिर राइडर हमारे तैयार हैं जो है, हेलो, मैं आपके साथ चलूँगा गंगा आरती पे। गंगा जी जा रहे हैं। गंगा जी अगर मैं बताऊं तो मेरे घर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है। अभी आप जो देख रहे हैं ये कचहरी वाला इलाका है पूरा, और यहाँ से हम लोगों को लगभग आधे घंटे तो कम से कम लगेंगे। और शहर में अगर जाम नहीं मिला तो, लेकिन जाम शाम का समय है, मिलेगा ही मेन सिटी में। अभी फिलहाल लोग अरुणा पुल पार करेंगे, फिर घुसेंगे कैंटोनमेंट वाले साइड से होते हुए नदीसर होते हुए पहुँचेंगे। लगभग लगेगा आधा घंटा। फिलहाल आपको मैं बीच में खूबसूरत नज़ारे दिखाता रहूँगा, और पहुँचते हैं गदौलिया, वहाँ से तो शानदार नज़ारे हैं ही। बनारस की फेमस नई सड़क मार्केट है, दाल मंडी की गली भी यहीं बगल से जाती है। दाल मंडी भी यहाँ की बड़ी फेमस मार्केट है, जहाँ पर आपको लगभग सब सामान मिल जाता है, वो भी एकदम जुगाड़ रेट पर। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, आपको थोड़ी कम है। फिलहाल मेरा ट्राइपॉड थोड़ा ढीला हो गया है, थोड़ा ख़तरनाक हो गया है कैमरे को इस ट्राइपॉड पर लगाना, लेकिन फिर भी लगाया हूँ। और फिलहाल कैमरे की क्वालिटी बहुत शानदार है, शाम के समय भी गजब का आ रहा है, एकदम अंधेरा हो गया है। अभी मेरा DJI वाला कैमरा होता तो एकदम ब्लैक ब्लैक आता। और यहाँ पर कांवड़िए भी ढेर सारे दिख रहे हैं, सावन का महीना चल रहा है, बम्बोल बम्बोल। मिलते हैं आगे, आपको नज़ारा मिला ही। हम लोग आ गए गिरजाघर। गिरजाघर से बस 1 किलोमीटर की दूरी पर प्रशासनिक घाट है, जहाँ पर होती है विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती। मिलते हैं उधर ही। आ गए वर्ल्ड फेमस गदौलिया चौराहे से लेकर के, तो लंदन स्ट्रीट बनी हुई है बनारस की वहाँ। और हमारे साथ हैं भाई साहब अपने। तो फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ ये लंदन स्ट्रीट का नज़ारा गंगा घाट तक, और काफ़ी मस्त व्यू आ रहा है। गंगा आरती देखने तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। गंगा घाट में सीढ़ी के आगे जाने की जगह ही नहीं है, एकदम गजब की भीड़ लगी हुई है। तो अभी हम लोग बगल वाले घाट से जाने का प्रयास करते हैं, देखते हैं जा पाएंगे या नहीं। पैदल चलना भी बड़ा मुश्किल है यहाँ। देर से आए तो इसी वजह से थोड़ा गड़बड़ है मामला। फिलहाल एक ऊंचाई वाली जगह दिखी है, चलते हैं वहीं, देखते हैं वहां से क्या पता बढ़िया कुछ मिल जाए। कुछ फॉरनर्स वगैरह भी जा रहे हैं उसके अंदर, देखें एंट्री है कि नहीं उसमें, देखते हैं। 50 रुपये देने के बाद हम लोगों की ऊंचाई यहाँ से दो तरह की आरती हम लोग देख सकते हैं, एक साथ घाट की और प्रदा सुमित घाट की। तो देखते हैं, तो बढ़िया है, तो भी अच्छा आ रहा है।
प्लेस क्यों नहीं मिल पाया, हम लोग इतना ऊपर आ गए हैं 25-25 रुपये दे करके। घाटों पर थोड़ा आरती अलग अलग चल रही है। यहाँ थोड़ा पहले है जो दशाश्वमेध घाट है और जो राजेंद्र प्रसाद घाट है, जो कि मेन आरती जिस होती है लोग उसे दशाश्वमेध समझते हैं, लेकिन राजेंद्र प्रसाद घाट है। और यहाँ से ये बेचारे हिले नहीं, यहीं से बैठ के देख रहे हैं। तो कैसा लगा राजा भैया आपको? नहीं, मुझे इस आरती में एक अद्भुत नज़ारा दिखा। लोगों के प्रति जो आस्था है माँ गंगा के प्रति, वो एक अद्भुत तरीके से है। मैं देख रहा हूँ कोई भी व्यक्ति अपनी जगह से हिल नहीं रहा है, जो कि सारी आरती जहाँ तक समाप्त हो चुकी है, फिर भी लोगों की भीड़ जो जमी हुई है। तो ऐसा कहीं ना कहीं हमारे सनातन धर्म में माना गया है कि माँ गंगा ही सर्वत्र माँ है। और यहाँ पे मैंने इनका प्रमाण देखा भी कि लोग अपनी माँ से कितना प्रेम करते हैं। लगातार आरती खत्म होने के बाद भी यहाँ पे, मैं खुद बता दूँ, मैं अभी तक यहाँ से हिला नहीं। दरअसल मैं काफ़ी देर से जब से अभी हम लोग आरती खत्म होने के बाद वॉकिंग करेंगे जो काशी विश्वनाथ का मणिकर्णिका घाट के बगल वाला गेट बना है वहाँ तक, जब घाट एकदम खाली होगा। आरती खत्म होने के 15-20 मिनट तक घाट एकदम खाली रहेगा, तो हम लोग चलेंगे वहाँ तक वॉकिंग करेंगे और आपको वहाँ तक का दिखाएंगे। काफ़ी अच्छा मस्त। आज मेरा भाई जो है मुझे थोड़ा इधर से घाट टहलाएगा, मैं काफ़ी दिन के बाद यहाँ पे आया हूँ तो मुझे आके बड़ा अच्छा लग रहा है। और मैं अपने बड़े भाई के साथ टहलना थोड़ा सा मुझे अच्छा लगेगा, मैं टहलूँगा, मुझे मज़ा आ रहा है। ठीक है गाइस, आप लोग भी मज़ा लीजिए, सब्सक्राइब बटन दबा कर रहिए, सब्सक्राइब का बटन दबा कर रहिए। हम लोग स्ट्रगल करते करते आरती के पास आ ही गए। कुछ देर पहले हम लोग जो है वो ऊपर जो बना हुआ है यहाँ पर बैठे हुए थे, फिलहाल यहाँ आ गए हैं। यहाँ से काफ़ी अच्छे से शॉर्ट सर्किट भी हुई है। और यहाँ से कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, एकदम बढ़िया। आप लोग एंजॉय करिए, सब्सक्राइब का बटन दबाना जरूर ना भूलें, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चलते चलते आ गए मान महल के पास। ये जो बड़ी वाली बिल्डिंग आपको ऊपर दिख रही है, ये मान महल है और इसके अंदर बहुत ही अच्छा एक म्यूज़ियम बना है। और एक प्रोग्राम चलता है गंगा के अवतरण का, 6D में दिखाया जाता है, मतलब छत ज़मीन और इधर पूरा आई साइड की दीवार, सामने वाली दीवार, और काफ़ी गजब का लगता है वो। अगर आप आएँ कभी तो 20-25 रुपये इसका टिकट है, इसके अंदर जाएँ और पूरा म्यूज़ियम घूमें। सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक खुला रहता है। ये रहा, राजा मान सिंह ने बनवाया था, इसीलिए इसका नाम है मान महल। तो भैया जी, रात में घाटों पर घूमने का मज़ा ही अपना अलग है। इतनी शानदार हवा चल रही है यहाँ पर कि पूछिए मत। और अभी हम लोग बरही घाट से त्रिपुर भैरवी घाट पर आ गए हैं। वैसे इतना घाटों का नाम मुझे पता नहीं है, पढ़ पढ़ के बता रहा हूँ। ये पता है कि आगे मीर घाट है जहाँ पर अलका होटल है, ये बड़ा वाला होटल अलका होटल है, काफ़ी बढ़िया होटल है। देव दिवाली को आते हैं यहाँ पर हम लोग, और ऊपर से बहुत ही गजब का नज़ारा दिखता है, पूरा घाट दियों से सजा होता है। और इसी के आगे आपको मिलेगा मणिकर्णिका घाट,
जहाँ से काशी विश्वनाथ टेम्पल का नया एंट्री बना है जो सीधे आपको मंदिर में पहुँचा देता है। इस समय सावन चल रहा है तो बहुत सारे लोग यहीं से गंगा जी का जल ले करके उस गेट से दर्शन करने जा रहे हैं। वो गेट रात में बंद हो जाता है, अभी बंद होगा, शाम को 5 या 6 बजे तक ही खुला रहता है। और घाटों का नज़ारा तो पूछे ही मत। तो कॉरिडोर बने तो बहुत दिन हो गए हैं, लेकिन पहली बार मैं आया हूँ इधर जो मणिकर्णिका घाट के साइड में है। और ये काफ़ी भव्य लग रहा है, पीछे आप बैकग्राउंड में देख ही सकते हैं। अभी मैं आपको पूरा अच्छे से बीरोल लेके भी दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल ऐसे देखिए, ये एंट्री पॉइंट है जो ये आपको बड़ा सा दिख रहा है गेट। और इसके अलावा इधर आपको दिख जाएगा मणिकर्णिका घाट। अभी मणिकर्णिका घाट तक थोड़ा चलने का प्रयास करेंगे, अगर देखते हैं पॉसिबल है तो। और कुल मिला के मतलब मत पूछो यार, अल्टीमेट फीलिंग और इनक्रेडिबल, और उसको मतलब शब्दों में बयान करना थोड़ा मुश्किल है। क्यों राजा भाई, कैसा लग रहा है? अरे मुझे तो काफ़ी अद्भुत नज़ारा मिल रहा है। मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पे कॉरिडोर बनने के बाद। मुझे बहुत ही अद्भुत लग रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। दोस्तों आप भी, हवा कैसी चल रही है? बहुत ही अच्छी हवा। और वो जो चिताएँ जल रही हैं, वो मणिकर्णिका घाट का भाई अपना ही मज़ा है ना। हर आदमी यहाँ पे आना चाहता है एक बार, और आना सबको एक दिन यहाँ पे है ही। एक दिन तो मजा लेते रहिए, अंतिम में तो आना ही है अगर आप बीच में नहीं आते हैं तो। मगर बनारस के आसपास के हैं तो यहीं शायद आए आप। तो हम लोग जैसे ही वहाँ से आए, जो प्रवेश द्वार था विश्वनाथ जी का, उस पर लाइट चली गई तो एकदम अंधेरा हो गया है। और अभी आप मेरे फेस पे जो लाइट देख रहे हैं, ये मणिकर्णिका घाट पे चिताएं जल रही हैं उनका है। मैं आपको दिखाता हूँ ये, और ये भी मतलब बढ़िया जगह है, आप यहाँ पर भी आकर के कुछ समय व्यतीत कर सकते हैं। बहुत सारे लोग तो यहाँ पर वही हैं जिनके साथ लोग आए हैं, जिनके मतलब रिलेटिव वगैरह जो भी होंगे, जिनकी डेथ हुई होगी। उसके अलावा बहुत सारे लोग वैसे भी आते हैं एज ए टूरिस्ट, यहाँ देखने समझने, और खास करके फॉरनर्स तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं यहाँ पर। फिलहाल लाइट नहीं है तो इधर से तो पूरा अंधेरा अंधेरा ही है। तो अभी हम लोग वापस जा रहे हैं, हम लोग का टूर हो गया। सामने अगर ध्यान से नहीं चलेंगे तो सीधे गंगा जी में चले जाएंगे कैमरा लेके। इसीलिए अब इस वीडियो को यहीं बंद करते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं, शायद उजाला हो। वैसे मैं लाइट लेकर आया हूँ और उसको भी अभी यूज़ करके देख ही लेते हैं आज की कैसा रिस्पॉन्स है मेरे लाइट का। तो मिलते हैं लाइट के साथ। देखो कितना बढ़िया आ रहा है लाइट के साथ। तो अपनी पर्सनल लाइट कितनी काम आ रही है, एकदम चेहरे पर फोकस आ रहा है। फिलहाल अभी बंद करेंगे क्योंकि बाकी सामने कुछ नहीं दिख रहा है। गंगा जी में चले जाएंगे हम लोग, ऐसा लग रहा है कि हम लोग नीचे ना गिर जाएं। एक बार मुंबई गए थे मरीन ड्राइव पे, तो ऐसे ही रात में लोग गिटार बजा रहे थे, गाना गा रहे थे, वैसा ही माहौल इस समय यहाँ दशाश्वमेध घाट के बगल है। अक्सर ये सब 80 घाट वगैरह के आसपास दिखता है, लेकिन इधर दशाश्वमेध घाट के पास भी दिख रहा है। और गजब की बांसुरी बजा रहा था भाई, और एक गिटार बजा रहा था, तू होगा जरा पागल जो तूने मुझको है चुना, मज़ा आ गया।
घूम के वापस आ गए हैं और यही है अपनी पार्किंग, मल्टी लेवल पार्किंग, और चलते हैं देखते हैं यहाँ पर हम लोगों को हमारी बाइक कैसे वापस मिलेगी। यहाँ गया अंकुर, यही तो आ रहा था। हाँ अंकुर भाई यहाँ हैं क्या भैया? यहाँ क्या सिस्टम है बाइक मिलने का? बाइक टोकन नंबर पता नहीं क्या सिस्टम है। यहाँ सिस्टम ये है कि जब हम लोगों ने जहाँ पर्ची ली थी तो काउंटर पे भैया ने हम लोगों को बताया कि फर्स्ट फ्लोर पे जाइए, आपकी गाड़ी फर्स्ट फ्लोर पे कहीं खड़ी है, वो लिफ्ट से नीचे आएगी तो फर्स्ट फ्लोर पे चल के देखते हैं। वो खड़ी है अपनी दरोहित पांडे स्टिकर वाली हीरो मास्टर स्कूटी, और यहाँ पर बाकी लोग भी देखिए खड़े हैं अपनी बाइक वाइक लेके जाने के लिफ्ट में। तो काफ़ी बढ़िया सिस्टम है यार, ऐसा पार्किंग हर जगह बना देना चाहिए, काफ़ी कन्वीनियंट है, कोई हैजल नहीं है, गाड़ी को खुद ला के ऊपर खड़ी करते हैं, आपको सिर्फ वापस लेके जाना है। ये रही अपनी धन्नो। सब कुछ अच्छा है, बस लिफ्ट में वापसी आने में हम लोग को लग गया लगभग 15-20 मिनट, और हम लोग लिफ्ट में ही है। दो लिफ्ट थी, एक में सिर्फ दो बाइक आती है, एक में 5-6। 0 पे आ गए हम लोग, अब शायद आगे वाला खुले 2500 किलो। फाइनली लिफ्ट से बाहर आ गए हैं और अब बदौलिया चौराहे से निकलेंगे सीधे घर। तो सब कुछ अच्छा था लिफ्ट वाले का, ये लिफ्ट वाला बिल्डिंग है, लेकिन थोड़ा वापसी में थोड़ा लेट है, बाकी सब ठीक है। देने में तो आप नीचे खड़ा करके चले जाइए, वो लोग खुद ही ऊपर लेके जाते हैं।